बुलंदशहर से रीशु कुमार की रिपोर्ट। मोहन डेयरी के मालिक के घर दिन दहाड़े डाका। बुलंदशहर सिटी क्षेत्र के मोतीबाग इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने मोहन डेयरी के मालिक ब्रजमोहन अग्रवाल के घर धावा बोलकर करीब 10 लाख रुपए की नकदी लूट ली। लूट करके भाग रहे बदमाशों का शोर मचने पर भीड़ व पुलिस ने पीछा किया और एक बदमाश को लूटी नकदी समेत दबोच लिया, जबकि उसका साथी भाग निकला। दोपहर के समय दो बदमाश दूध कारोबारी ब्रजमोहन अग्रवाल के घर में घुस आए। घर में मौजूद महिलाओं को आतंकित कर 10 लाख रुपए से अधिक की नकदी लूट ली। बदमाश नकदी लेकर जैसे ही घर से बाहर निकले, महिलाओं ने शोर मचा दिया। शोर मचने पर भीड़ और पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। बदमाशों ने पीछा कर रही भीड़ को तमंचे से गोली मारने की धमकी देकर धमकाने और नोटों को हवा में उड़ाकर भीड़ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने एक बदमाश को लूटी नकदी समेत पकड़ लिया, जबकि उसका दूसरा साथी भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और एसपी सिटी अतुल श्रीवास्तव मौके पर पहुंच गए। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से लूटी रकम लगभग 8.20 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। सर, एक बदमाश को पकड़ा गया, सर क्या मामला था, लूट का प्रयास बताएं। देखिए, यहाँ पे घर में एक बदमाश के घुसने की सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल पुलिस कार्रवाई की गई है। एक बदमाश गिरफ्तार किया गया, पैसे रिकवर हुए हैं। बाकी विस्तृत पूछताछ चल रही है, घर वालों से पूछताछ की जा रही है, बदमाश से जो पकड़ा गया उससे भी पूछताछ की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की। सर कितना कैश सर पुलिस ने बरामद किया है? अभी इसकी गिनती की जा रही है कि कितना बरामद हुआ है, उसकी गिनती करके और विस्तृत पूछताछ करके आगे बढ़ते हैं। सर सिपाही ने सर बदमाश को पकड़ा है, सर वो तमंचा लहराता हुआ जा रहा था जो बदमाश पकड़ा। अभी इसके बारे में भी सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है, फुटेज में क्या है, कैसे है, क्या बातें हुई हैं, और यहाँ भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है, बदमाश से भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही, चूँकि अभी तत्काल की घटना है, बदमाश पकड़ा गया है, कैश रिकवर हो गया है, बाकी पूछताछ के बाद ही बातें प्रकाश में आएंगी।